मैंने यार वन प्लस नोड को यूज किया था और ये एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ऊपर था। मतलब इसका कैमरा मैं नाइट में यूज कर रहा था जिस वक्त मैं यूज कर रहा था इसको, और इसका नाइट म्यूजन तो इतना ज्यादा कमाल का है कि मैं अपने Huawei Mate 20 Pro से इसका कंपेयर कर रहा था, समटाइम से बिल्कुल इक्वल आया जा रहा था। तो मतलब बिल्कुल अमेजिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो कमाल के स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M51 वर्सेस वन प्लस नोड के बारे में, जिनकी UI, जिनकी ब्रांड वैल्यू अपने आप में काफी ज्यादा कमाल की है। मतलब अगर मैं ब्रांड वैल्यू की बात करूँ तो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के दोनों दिग्गज हैं, दोनों के UI ऑक्सीजन OS और One UI एंड्रॉइड की वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस हैं। वहीं मैं आपसे बात करूं इन दोनों स्मार्टफोन की तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं, पर बहुत सारे कमेंट्स को देख के लगता है कि 5G के नाम पे बिल्कुल बहुत सारा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, अंधविश्वास फैला हुआ है। उनको लगता है कि 5G तो इंडिया में ऐसे अभी आने वाला है और ऐसे फाड़तोड़ स्पीड आ जाएगी, तो सर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल इसको एक अनबायस्ड रिव्यू की तरह आप ले सकते हो, सब कुछ आपको इन डेप्थ पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक का टारगेट है 500 का, तो वीडियो को झटाक से आपको लाइक कर देना है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपडेट्स के मामले में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। दोनों फोन अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं, 1 जुलाई में और 1 अक्टूबर में, तो आने वाले 3 साल तक आपको एंड्रॉइड के मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं, मतलब एंड्रॉइड 11, 12 और 13। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम बात करते हैं बिल्ड लुक एंड डिजाइन की, तो मैं आपसे सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M51 की बात करता हूँ, जिसमें हमको बैक में ग्लास देखने को मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, फ्रंट में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और इसी के साथ एक्सपेंडेबल स्टोरेज का हमको ऑप्शन देखने को मिलता है। हम अपनी 2 सिम्स के साथ 1 मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, तो ये काफी कमाल चीज बन जाती है। वहीं मैं आपसे बात करूं OnePlus Nord की, तो ये देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इसमें हमको ग्लास बैक देखने को मिलता है और इसका बैक भी काफी कमाल का है। फ्रंट और बैक दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और इसमें एक की कमी है कि इसमें हमको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बिल्ड एंड लुक को मैं आपको एक सार में समझाने की कोशिश करूं तो OnePlus Nord फार बेटर है सैमसंग गैलेक्सी M51 के मुकाबले। वहीं सैमसंग गैलेक्सी M51 में प्लास्टिक दिया गया है क्योंकि उसमें हमको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वहां पे अगर ग्लास मिलता तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि फोन यहां पे बहुत भारी हो जाता। और अब मैं बात करूं दोनों के ही डिस्प्ले की, तो दोनों में काफी कमाल की डिस्प्ले डाली गई है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी M51 की मैं आपसे बात करूं तो इसमें हमको 6.77 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है और OnePlus Nord में हमको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब आपने यहां पे एक चीज नोटिस की तो यहां पे जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो ओनली प्लस का है। प्लस से क्या होता है कि सैमसंग गैलेक्सी M51 में हमको थोड़ी सी थिन डिस्प्ले मिलती है जिसके चलते उसके कलर थोड़े से और ज्यादा वाइब्रेंट हैं और इसकी जो बैटरी कंजप्शन है वो भी कम होती है। मतलब ये बैटरी भी कम खाती है और लाइट वेट भी है, मतलब 35 ग्राम की डिस्प्ले इसमें डाली गई है 35 ग्राम की। वहीं OnePlus Nord में ऑलमोस्ट 40 ग्राम की डिस्प्ले यूज की जाती है जो बैटरी भी थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम करती है और वहीं हमको थोड़ी सी मोटी भी देखने को मिलती है सैमसंग गैलेक्सी M51 के मुकाबले। दोनों ही फोन में हमको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, दोनों ही 20:9 एस्पेक्ट रेशियो पे आते हैं और इसी के साथ हमको PPI डेंसिटी और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाता है। वहीं मैं आपसे बात करूं हायर रिफ्रेश रेट की तो यहां सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहां हमको OnePlus Nord में ऑक्सीजन OS के साथ 90Hz की हायर रिफ्रेश रेट मिल रही है जो मतलब फोन को बिल्कुल एकदम मक्खन सा बना देती है। अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो तो आपको इसका क्लियरली फील आ जाएगा। वहीं सैमसंग गैलेक्सी M51 में हमको नॉर्मल फोन्स की तरह 60Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है और जो सैमसंग का वन UI है वो भी इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता अगर हम M सीरीज की बात करें तो। तो यार डिस्प्ले के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M51 के कलर थोड़े से वाइब्रेंट तो हैं लेकिन यहाँ पे जो हायर रिफ्रेश रेट का तड़का है वो OnePlus Nord को कहीं ऊपर लेवल पे लेके चला जाता है और स्पेशली जब आप गेमिंग करते हो तब तो आपको इसका फील अलग ही देखने को मिल जाएगा। और अब मैं बात करूं इन दोनों की ही ताकत की, इनके प्रोसेसर की, तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में हमको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है जो 8nm आर्किटेक्चर बेस्ड है, एंड्रॉइड 10 है, वन UI का सपोर्ट है, UFS 2.1 बेस्ड स्टोरेज है, तो यहाँ पे काफी कमाल के लिमिट पुश की है सैमसंग ने भी। अगर वहीं OnePlus Nord की बात करें तो स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिलता है जो 7nm आर्किटेक्चर बेस्ड है। अब तक कोई भी फ्लैगशिप प्रोसेसर भी 7nm से नीचे हमको नहीं देखने को मिलता
मिलता है जिसमें हमको बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ चूंकि ये कम NM पे है तो ये हीटिंग इश्यू बिल्कुल भी नहीं देता है, तो ये काफी कमाल की चीज है। पावरफुल भी ज्यादा है तो ये भी अच्छी चीज है क्योंकि हमको ये 2.4 GHz क्लॉक देखने को मिल जाता है। बल्कि इसमें भी हमको UFS 2.1 बेस्ड स्टोरेज ही देखने को मिलती है, लेकिन ये 5G चिपसेट है। मतलब इंडिया में जब भी 5G आएगा हमको इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे लोगों में इतना मिसकंसेप्शन फैला हुआ है ना कि हाँ 5G फोन है तो ये बहुत कमाल की स्पीड देगा। हाँ ठीक है, 5G में दो चिप्स एट ए टाइम रन करती हैं और ये काफी कमाल का, मतलब अगर 4G से कंपेयर करूं तो 10 times ज्यादा फास्ट है। हाँ सबको पता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में 5G आते होते और हम नॉर्मल लोगों के हाथ में पहुंचते कम से कम 2 से 2.5 साल का टाइम लग जाएगा, तब तक आपका OnePlus नोट बहुत पुराना हो चुका होगा। तो 5G के नाम पे आप दोनों फोनों में डिफरेंशिएट करो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और अब मैं आपसे बात करूं कैमरा की, तो हमको दोनों ही फोन्स में क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। मैं यहां पे आपको नंबरिंग नहीं बताने वाला हूं, इतना होता है उतना होता है। सैमसंग गैलेक्सी M51 में जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 MP का है और जो OnePlus नोट है उसमें 48 MP का है। लेकिन दोनों ही फोन में अपने आप में काफी कमाल की फोटो आती हैं। लेकिन वहीं अगर स्पेशली मैं आपसे नाइट मोड की बात करूं तो क्योंकि मैंने OnePlus का यूज किया है काफी टाइम तक, तो ये अपने आप में काफी काफी ज्यादा कमाल का है। OnePlus नोट में हमको EIS और OIS दोनों का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं सैमसंग गैलेक्सी M51 में हमको ओनली EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो स्टेबलाइजेशन के मामले में OnePlus नोट थोड़ा सा आगे जाएगा अगर हम कंपेयर करें सैमसंग गैलेक्सी M51 से। तो वहीं सेल्फी में भी हमको दोनों में ही 32 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन OnePlus नोट में ड्यूअल सेल्फी का सपोर्ट है, अल्ट्रा वाइड को सपोर्ट करता है ये 8 MP के अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ, तो ये काफी कमाल की चीज बनती है। और सेल्फी कैमरा से आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो OnePlus नोट से, तो ये काफी कमाल चीज है। मतलब आप अगर ब्लॉगर वगैरह हो तो भी ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट फोन है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ हमको सिंगल टेक जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिनके चलते ये थोड़ा सा प्रीमियम टच देता है। अब मैं आपसे दोनों ही फोन की बैटरी की बात करूं तो हमको सैमसंग गैलेक्सी M51 में 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और 7000 का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत भारी होने वाला है, ईंट के माफिक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इतना ज्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना कि मतलब इसमें सब सैमसंग ने बिल्कुल कमाल कर डाला। 9.5 mm की थिकनेस पे इस फोन को बनाया है, 213 ग्राम का ये फोन है और उसमें लगी है 7000 mAh की बैटरी। इसको हाथ में लोगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इतनी बड़ी बैटरी फोन में लगी हुई है। वहीं इसमें 25 W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, फिर भी ये हमको चार्ज होने में 2 से 3 घंटे का टाइम ले लेता है, तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। वहीं OnePlus नोट में हमको 4115 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 30 W की फास्ट चार्जिंग है, तो ये विद इन आर ए पूरा चार्ज हो जाता है। और OnePlus नोट की बैटरी इसके कंपेयर में बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा भी कंज्यूम होती है क्योंकि उसमें दो फैक्टर आ जाते हैं। OnePlus नोट में 90 Hz की रिफ्रेश रेट है तो उसके चलते बैटरी बिल्कुल खतरनाक तरीके से कंज्यूम होने वाली है। तो दूसरी चीज है उसमें 5G का सपोर्ट है, तो दो चिप एट ए टाइम रन कर रही है, उससे भी बैटरी की खपत ज्यादा होगी, तो भाई बैटरी तो काफी कम मिलने वाली है कंपेरेटिवली सैमसंग गैलेक्सी M51 के। मतलब अगर किसी को बैटरी ज्यादा बड़ी चाहिए तो वो सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ ही जाए, OnePlus नोट आपको धोखा देने वाला है, खतरनाक वाला यहाँ पे। और अब मैं बात करूं अपने फाइनल कंक्लूजन की, भाई कौन सा लेना चाहिए, जिसके लिए सारे लोग एकदम खतरनाक तरीके से वेट कर रहे हैं कि भाई हाँ यही तो एक पॉइंट होता है। तो अगर आप OnePlus नोट के साथ जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, 90 Hz की हाई रिफ्रेश रेट है, कैमरा में OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसी के साथ हमको थोड़ी सी प्रीमियम बिल्ड देखने को मिल जाती है, उसके साथ ऑक्सीजन OS के साथ यार 90 Hz का रिफ्रेश रेट बिल्कुल एकदम कमाल हो जाता है, और 5G का सपोर्ट है स्नैपड्रैगन 765G के साथ, तो ये काफी कमाल की चीज बन जाती है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो OnePlus नोट में हमको देखने को मिलती हैं और सैमसंग गैलेक्सी M51 में नहीं देखने को मिलती हैं। वहीं सैमसंग गैलेक्सी M51 में हमको 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है, जो काफी कमाल की चीज है, जो चीज लुप्त होती जा रही है। इसी के साथ बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और तीसरी चीज जो सबसे हाईलाइट पॉइंट है वो है एक नॉन चाइनीज ब्रांड है, मेड इन इंडिया देखने को मिलता है, काफी ये कमाल की सी चीज है। तो अगर यार किसी को लंबी बैटरी चाहिए ना तो वो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ जाए, और इसको जिसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक फोन को यूज करना है, क्योंकि सैमसंग की ब्रांड वैल्यू इंडिया में बहुत ज्यादा है और इसके जो रीसेल की वैल्यू है ना वो भी काफी ज्यादा है। वहीं आपसे मैं बात करूं OnePlus नोट की, तो ये थोड़ा सा आपको फैंसी टाइप दिखाता है, थोड़ा सा आपको फ्यूचर प्रूफ बना देता है। अगर मैं 5G की बात करूं, स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई गेमिंग वगैरह करता है और किसी को अपने हाथ में बिल्कुल प्रीमियम टच चाहिए, प्रीमियम वाला फ़ोन चाहिए, तो वो डेफिनेटली OnePlus नोट के साथ जा सकता है। और मेरी भी जो फाइनल चॉइस होगी ना वो OnePlus नोट ही होगी, क्योंकि मुझे गेमिंग वगैरह नहीं करनी होती, ये नॉर्मल यूज़ के लिए और थोड़ा सा प्रीमियम टच चाहिए होता है। लेकिन आपको OnePlus नोट के साथ 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो
भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे चूज कर लोगे कि हाँ मुझे ये वाला स्मार्टफोन चाहिए। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आपको डेफिनेटली लाइक करना है और इसी के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन कर लो साथ में प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।